अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम एक विलेज में आए हैं और एक घर में सुबह सुबह पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर इनकी सुबह की रूटीन आप लोगों को दिखाएंगे कि ये इनकी रूटीन मॉर्निंग की किस तरह होती है, ये अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं। तो मज़ीद आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो अच्छी लगेगी, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी इस जस के मटके में लस्सी बन रही है और जब लस्सी तैयार हो जाएगी तो उसके अंदर से एक मख निकलेगा और मख को अलहदा कर दिया जाएगा। मख का अपना एक टेस्ट है और लस्सी का अपना मज़ा है, तो अभी ये देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है। हाथ में मुख्तलिफ घरों के एंट्री पॉइंट इस तरह के होते हैं, कुछ ये देख सकते हैं आप, ये इनका एक एंट्री पॉइंट है, मेन दरवाज़ा कहते हैं इसे। ये सारा मकान तकरीबन ही मड का बना हुआ है, ये इसकी दीवारें देख सकते हैं आप, छोटी छोटी दीवारें हैं और सारी मड की बनी हुई हैं, इसके कमरे भी मड के बने हुए हैं। तो यहाँ पर मोटर वगैरह का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, बस नलके से ही काम चलाया जाता है, जिसे हैंड पंप कहते हैं हम लोग। सुबह सुबह जानवरों का दूध निकाल के फिर इनकी यही रूटीन है कि उसके बाद लस्सी वगैरह बनाते हैं, मक्ख वगैरह को अलहदा किया जाता है, उसके बाद फिर ये नाश्ता वगैरह भी शायद इसी से ही करते हैं। ये मक्ख आप देख सकते हैं कि मक्ख अलहदा हो चुका है और उसको एक अलहदा बर्तन में डाल दिया गया है। अभी तंदूर ये जला रहे हैं, इसके अंदर तंदूरी रोटी बनाएंगे और उसके बाद ये नाश्ता करेंगे। एक साइड पे तंदूर को जलाया गया है रोटी बनाने के लिए और दूसरी जानब यहाँ पर सालन बन रहा है, और एक ही टाइम में तकरीबन ये सारे काम हो जाएंगे और बड़ी तरतीब के साथ ये काम को निभा रही हैं ख्वातीन।
लो जी, तंदूरी रोटी अब बनना शुरू हो गई है। तकरीबन अभी ये पहली रोटी ही बना रही हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रोटी बनी है। ये देखें, एक मिनट ये देख लें। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी रोटियां बनी हैं। और यहाँ पर आपको उनका ये रूम भी दिखा देते हैं। और ये देखें, इनके बर्तन वगैरह पड़े हैं मसाला जात, और ऊपर छत देख सकते हैं, बिल्कुल ही कच्ची छत है। ये दाने वगैरह साफ़ करने के लिए, और यहाँ पर देसी घी लगाया जा रहा है। ये बाड़ा है जानवरों का, बहुत ही खूबसूरत सा, ये देख सकते हैं, खुला डुला। आगे चारा पड़ा है ताज़ा सा, और ये बड़े मज़े से खा रही हैं। क्या हाल है छोटू, और क्या कर रहा है? लें जी, ये भाई साहब सुबह सुबह चारा वगैरह काट के आ चुके हैं, और इनके लिए ताज़ा सा नाश्ता वगैरह तैयार हो चुका है, और ये नाश्ता कर रहे हैं। इसके साथ ही ज़्यादा चाहेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।